हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आज ड्राई फ्रूट की खीर। तो मैंने यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा है। एक्चुअली मैं दूध लेकर के आई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉप से दूध लेकर के आई हूँ, तो वही उसी दूध को मैं आज खीर बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो बस थोड़ा सा मैं खीर बना रही हूँ, जिसमें मैंने डाले हैं मखाने, छुआरे और ये थोड़ा सा है काज बादाम और चिरौंजी और इलायची। और ये मैंने यहाँ पे इसको ग्रेट कर लिया है कोकोनट को, मतलब नारियल गोले को। और जब मेरा दूध उबल जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें शुगर नहीं डालती हूँ, तो मैंने बहुत ज़रा सी आधा चम्मच के करीब शुगर डाला है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे छुआरे जो कि बहुत अगेन मीठे होते हैं, तो उसमें अपना नेचुरल स्वीटनेस होता है। तो छुआरे मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आप ऐसे छुआरे डाल दीजिए तो आपका दूध भी फट जाता है, इसलिए मैं लास्ट में अब डाल रही हूँ इसमें छुआरे, जब मेरे मखाने और ड्राई फ्रूट्स पक गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी छुआरे और इसको हमें अच्छे से पकाते रहना है। जितना गाढ़ा आपको करना है कर लीजिए, एकदम रबड़ी की तरह टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स की खीर है और शुगर भी नहीं है, तो नेचुरल मीठा भी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से, अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को ड्राई फ्रूट और दूध मिक्स करके मतलब खिला सकते हैं। तो बस मैं यहीं पर थोड़ी सी खीर बना रही हूँ, चलिए बना लेती हूँ खीर, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ, मैंने इसमें किशमिश भी डाली है, जो कि मैं ये भी लास्ट में डालूंगी, क्योंकि किशमिश भी आपके दूध को फाड़ देती है। अक्सर मैंने देखा है दूध फट जाता है, मतलब खीर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं वो भी बाद में ही डालूंगी। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी स्पेशली फॉर किड्स, मतलब आप अपने बच्चों को किस तरह से मोबाइल फ़ोन से दूर कर सकते हैं और बच्चों को किस तरह से आप सुला सकते हैं। ऐसे मैंने दो तीन वीडियोज़ अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं। शाम हो चुकी है, 6:05 हो रहा है ये देखिए। तो अब मेरा टाइम हो गया है नीचे जाने का भी और खाना बनाने का भी। तो बस मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जब तैयार हो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है ना कि थोड़ा सा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लो। ऐसे तो हम लोग वैसे ही रहते हैं जैसे आप लोग डेली रूटीन में रहते हो, बट जब वीडियो बनाओ तो थोड़ा सा मतलब गेटअप चेंज करते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए बस व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। और कपड़े धुले थे, बहुत सारे वॉश किए थे, तो यहाँ कपड़े फैले हुए हैं और मैंने ग्लास बंद कर दिया है, क्योंकि इवनिंग में बहुत सारे मॉस्किटो आ जाते हैं। तो अभी वो कपड़े उतारने भी हैं, बट उस रूम वाली विंडो पे जो मैंने कपड़े फैलाए थे ना, वो सब मैंने उतार लिए थे, क्योंकि वहाँ से जब मैं शूट करती हूँ ना तो वहाँ पे क्या होता है, परछाई आती है कपड़ों की, तो इसलिए वो सब मैंने उतार के रख लिया है। और अब मैं ये ज्वेलरी भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे पहनती नहीं हूँ, कानों में मुझे चुभता है, बस ये छोटे छोटे इयररिंग्स डाले रहती हूँ, तो ये वाले पहने थे मैंने, अब मैं इनको रख दूँगी। और जा रही हूँ डिनर बनाने, डिनर पे बनाऊँगी मैं आज कढ़ी। तो हाँ, आज मैं रात में कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, पीहू के डैडी दिन में चले जाते हैं क्लासेस करने, तो सुबह का खाना तो ऐवे ही हो जाता है, मतलब सब्जी रोटी बन जाता है, तो दाल वाल नहीं बन पाती है, कढ़ी वढ़ी नहीं बन पाती है। तो अब मैं सोच रही हूँ चलती हूँ किचन में कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि आज दूध तो मैं मॉर्निंग में ही ले आई थी, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिल ही गया होगा। मुझे नहीं जाना है और डिनर के बाद ही वॉक पे जाऊँगी, और 6:15 होने वाला है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, तो मैं पहले डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर डिनर के बाद जाऊँगी नीचे घुमाने के लिए पीहू को। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, और पता नहीं इसके बाद में अभी व्लॉग शूट करूँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने कढ़ी की रेसिपी ना कई बार आप लोग के साथ शेयर कर दी है, कोफ्ता कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी, तो शायद अभी मैं रिकॉर्ड तो नहीं करूँगी, बस मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, मेरा मन हो रहा था इसलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो मैंने कढ़ी के लिए यहाँ पे पकौड़ियों को फ्राई कर लिया है जो कि बेसन और प्याज की है और नमक मिर्च हल्दी डाल करके मैंने पकौड़े बना लिए हैं। और ये देखिए एक बार मैंने निकाल लिए हैं कुछ पकौड़ी और कुछ ये हैं, तो बस इतनी ही हम दो लोग के लिए कढ़ी हो जाती है। आप लोग को पता ही होगा जब दो लोग होते हैं तो ज़्यादा खाना नहीं बनता है, तो मैं इतना ही बनाती हूँ जितना कि रात को फिनिश हो जाए और सुबह का सुबह फिनिश हो जाए। और कढ़ी के घोल के लिए मैंने यहाँ पर छाछ लिया है और थोड़ी सी दही रखी थी, तो उसको अच्छे से मैं बिलो लूँगी, मतलब मथ लूँगी, और इसी में मैं सूखे मसाले डाल दूँगी। मैंने तेल एक्स्ट्रा निकाल दिया है, पूरी रेसिपी में पहले भी डाल चुकी हूँ, और आज मैं यहाँ पे लाल मिर्च, खड़ा मिर्च जो है उसको फ्राई करके निकाल लूँगी। अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को इस तरह से, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है खाने में, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कढ़ी के साथ ऐसे लाल मिर्च फ्राई, खड़ी लाल मिर्च खाना टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये कढ़ी का घोल है जिसमें मैंने डाला है मेथी, सरसों और थोड़ा सा जीरा और हींग। आप चाहें तो आप प्याज से भी छौंक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमारी कढ़ी उबलने लगी है, मैंने इसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाल दिया है। तो बस ऐसे ही हमारा डिनर बन जाएगा और साथ में होगा थोड़ा सा चावल और रोटी और सब्जी। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और पीहू स्कूल जा चुकी है, मैं उसको छोड़ आई हूँ, और पीहू के डैडी भी अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने उनका ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ तैयार कर दिया है, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए। और जो थोड़ा बहुत मैसअप हो जाता है बच्चे और हस्बैंड के रहने से, वो सब मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए पीहू ने अपना टैडी और ये सब ऐसे ही फेंक देती है वो जाते समय। वैसे मैं उसको सिखाती रहती हूँ कि बाबू आप अपना सामान अपनी जगह पर रखो, तो वो सीख रही है। और धूप बहुत तेज़ आ रही है तो मैं पर्दे कर सब कुछ ठीक कर रही हूँ, और पेड़ों में पानी भी मुझे डालना है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने नहीं डाला है, तो वो बोल रहे हैं आज तुम डाल दो। तो वो देखिए अब वो निकलने वाले हैं और अब मैं पानी डालूंगी पेड़ों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो ये इंडोर प्लांट्स हैं, बट फिर भी आपको पेड़ों को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है मेरे हस्बैंड का जिम वाला बैग और ये सब मैं समेट रही हूँ। चैनल, और टाइम हो गया है 12:15 और मुझे जाना है पीहू को स्कूल लेने जाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, काम कर रही थी तो उस चक्कर में बिजी हो गई और फ़ोन नहीं उठा पाई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, और कॉमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप लोग के कॉमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं ना यहाँ रह करके थोड़ा सा बोर हो गई हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड की पढ़ाई चल रही है, ना कहीं जाना होता है ज़्यादा, और बस बच्चा, घर, लाइफ यही सब है। तो तंग आ गई हूँ मैं यहाँ रह करके। अभी सोचती हूँ मायके चली जाऊँ या क्या करूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ तो चाहिए होता है ना, अपने आप को चेंज चाहिए होता है एंटरटेन करने के लिए। तो वैसे तो YouTube है, आप लोग हैं, अच्छा लगता है बातें करना आप लोगों से, वीडियो शेयर करना आप लोगों के साथ। अब ना शेयर करो तो अधूरा अधूरा सा खालीपन लगता है अगर एक दिन ब्लॉग ना बनाओ तो, लेकिन फिर भी ना थोड़ा चेंज जरूरी होता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन दीजिएगा अगर मुझे हो सके तो। और अब जाऊँगी पीहू को स्कूल लेकर के आऊँगी, और मेरा डिनर, सॉरी मेरा लंच पूरा बन चुका है, रिकॉर्ड नहीं किया है, और बस अब सोच रही हूँ क्या करूँ। थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ ना एक ही जगह रहते रहते, तो चलिए चलते हैं जल्दी से पीहू को स्कूल से लेकर के आते हैं, और फिर उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. फ्रेंड्स, मैं अभी पीहू को लेकर के स्कूल से आ गई हूँ और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस मैंने सोचा तो था मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करूँगी, बट नहीं कर पाई गर्मी की वजह से। और पीहू को पकड़ना, बैग पकड़ना, ये सब था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और घर आ गई हूँ, मतलब फेस वॉश किया है और पीहू खेल रही है अपने खिलौनों से। अब 1 बजने वाला है और अब मैं लगाऊँगी लंच, जो कि मैं और पीहू करेंगे दोनों लोग बैठ के। और लंच में मैं आज बनाई हूँ राजमा चावल रोटी। मेरे घर पे हफ्ते में एक बार राजमा और एक बार छोले ज़रूर बनते हैं, तो मतलब अगर वीक के स्टार्टिंग में छोले बन गए तो वीक के लास्ट में राजमा बनेगा, ऐसा करके। मतलब हफ्ते में हम लोग एक बार ज़रूर खाते हैं राजमा छोले, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और मेरे हस्बैंड को प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ। और बस चलिए, फिर अभी थोड़ा सा पीहू के साथ बैठती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर उसके बाद लंच करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो लंच करने के बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और हम लोग डी मार्ट आ गए। एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेना था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं था क्योंकि मैं पहले ही सामान लाके स्टोर कर चुकी थी, बट 2-4 सामान थे जो बाकी रह गए थे। और पीहू बोल रही थी मेरी बेबी कि उसको लेना है, तो मैंने सोचा चलो वो जा रही है तो साथ में ही चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर क्रॉकरी, मुझे कुछ सामान अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लिया। कितना प्यारा सा कप है और यहाँ पर बहुत सारे कप की वेराइटी और डिज़ाइन भी दे रखे हैं, तो बस वही है। और अभी घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो चलिए फिर घर चल के मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये है वो सारा सामान जो कि मैं डी मार्ट से लेकर के आई हूँ, जिसमें है ये पीनट बटर, च्यवनप्राश और पीडिया शॉर लेकर के आई हूँ पीहू के लिए। आप लोग देते हैं कि नहीं अपने बच्चों को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक ब्रश है जो पीहू के लिए ही है, और उसका टैल्कम पाउडर है। वैसे मैं ज़्यादा टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी कभी कभी लगा देती हूँ। और ये बर्तन धुलने के लिए है, पतंजलि का डिश वॉशर बार मतलब। और इतना ही सामान था जो कि ज़रूरत था, तो मैंने सोचा चलो डी मार्ट आ रहे हैं तो डी मार्ट से ही ले आते हैं। तो ये मैं उसकी जगह पे रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सोप जो है बर्तन वाला वो ख़त्म हो रहा था। और जो इसका पीडियाश्योर का पाउडर है, उसको भी मैं एयर टाइट डिब्बे में ही बंद करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास बॉक्स था इसलिए मैं बॉक्स वाला पैकेट नहीं लेकर के आई हूँ। और मेरे हस्बैंड जो प्रोटीन शेक यूज़ करते हैं, उसके डिब्बे मेरे पास काफ़ी सारे डिब्बे हैं, तो मैं उसमें ही रख दूँगी। और इसके साथ ये एक स्कूप भी है, तो इसमें मैं इसको पैक करके रख दूँगी, नहीं तो फिर इसमें अगर हवा लगेगी तो ये टाइट हो जाता है, मतलब जम जाता है ऐसा, जैसे बॉर्नविटा होता है वैसा ही। तो मैं इसको पीहू को दूध के साथ देती हूँ। आप लोग कैसे देते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग देते भी हैं या नहीं। तो ये च्यवनप्राश हो गया, और इतना ही सामान मैं लेकर के आई थी। और इसी के साथ अभी शाम हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ चलो चाय पी लेती हूँ, और पीहू सो रही है तो मैं अपनी ग्रीन टी के लिए पानी बॉयल कर रही हूँ। आइए आप भी मेरे साथ हेल्दी और ग्रीन टी पीजिए। तो चलिए फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I. तो मेरी चाय तैयार हो गई है, और बाहर का वेदर देखिए, आज कितना अजीब सा वेदर हो रहा है। धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, बट बहुत ही क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। रात तक हो सकता है बारिश हो जाए, पता नहीं।
फ्रेंड्स मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी पीहू सो रही है और टाइम हो गया है 4:45 का। तो अब बस मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ और फिर ये ब्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ और मैं मिलूंगी आपको कल अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।